माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान अभिषेक भनोट से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण होती के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए सभी माँ भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि अध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। अध्यात्म एक जीवन निर्माण का मूल सूत्र है, दिशा है, पथ है। मानव मात्र के लिए अध्यात्म महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत संस्कारों से होती है और संस्कार हमें अध्यात्म से मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने जैसा हमें संस्कार व शिक्षा दी वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में कर्म करके शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यात्म में वो शक्ति है जो हारे हुए जीवन को जीत में बदल देता है। उन्होंने बताया कि माँ बंगलामुखी जी की अपार कृपा से संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ 26 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल एडवोकेट राजकुमार, अभिलक्षे चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। करा बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी ताम च मां की कृपा के नाल दिव्य हवन यज्ञ जिहड़े हुंदे आ हर सप्ताहिक वीरवार के वीरवार उहदा आयोजन किया गया और निर्विघ्नता के नाल महामई के मेहर भरे आशीर्वाद के नाल उह संपन्न होया। सारे सेवादारा ने रल के जिहड़ा उहनां दा उपराला है सेवा भाव का हवन यज्ञ के सारे समगरी वितरण करन दा और हवन यज्ञ संपूर्ण कराने का यह सारे सेवादारा के समूह के नाल ही संभव है और सेवादारा दे करके ही ये जिहड़ा दरबार है महामई का प्रसिद्ध है क्योंकि इत्थे ना प्रधान है ना सैकटरी है ना चेयरमैन है ना कैशियर है। इत्थे तो जगदंबा भगवत जी आप सर्वो सर्वा है। जिदा का हुक्म हुंदा है उदा का असी नाल सेवा जोड़ ली दी है और शुरू करनी शुरू कर दी है। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि पिछले दिन ही जिहड़ा तुलसी विवाह होया उहदे च बड़ी ही जिहड़ी भगवत कृपा की आशीर्वाद प्राप्त होया और बहुत सारे साढ़े जिहड़े सेवादार है वह हजे तक भी उस यादगार पल नूं याद करते हुए माँ दा आदि धन्यवाद करते हैं कि जगदंबा तेरे दरबार से आ के इदां दीआं खुशियां प्राप्त होईआं जिहड़ीआं जिंदगी च भी कदी नहीं देखीआं। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि रविवार 26 तरीक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। हत वध कर वध प्रार्थना, हथ बन के कर वध प्रार्थना है कि सारे सेवादार उस हवन यज्ञ च बढ़ चढ़ के शामिल होन ता जो जिहड़े साढ़े कोई भी कारज रह गए होन वह महामई संपन्न करे और अपना मेहर भरे हाथ करे। जयकारा शेरावली माता जी का, जय बगलामुखी माता जी का। अज काफ़ी दिनों तो जिहड़ा एक संघर्ष चल रहा सी मेरा वो एक तीन जगह पर मैं विजय प्राप्त हुई है। माता रानी के चरणों के अज हाजरी लान आया, मेरे चैनल में फाइव स्टार उदय दर्पण में फाइव स्टार रेटिंग मिली है। उस तो बाद एक HDFC के नाल केस चल रहा है उसे भी केस जीत गए ते नाल दे नाल एक
परिवारिक कोई केस है उसके भी असी कल फतेह प्राप्त की। माता रानी ने बड़ी कृपा कर रही है, अगे भी करती रहेगी। अज मैं थोड़े सारे नाल अपनी साझा कर रहा, मैं लगभग एक साल तो माता जी के चरणों में जुड़िया हुआ है। अज मेरे लिए एक बहुत वड्डी खुशी का दिन हैगा, मेरा अज वीज़ा अप्रूव होया, जिहड़ा पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान सीगा ते उह फसिया होया सीगा, बट जिदा ही कल या परसों मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो मैं सारे भक्तों को बेनती करना चाहता हाँ कि सारे इतने जुड़ो, इतने आवो, तो जिहड़ा भी तुहाडी किस्मत च नहीं हैगा तुहानू उह वी इत्थों मिलेगा। तो सारे भक्तों को मेरी बेनती है कि माता रानी चरणों जाके जोड़ छोड़ो।